समिति की बैठक आज होने जा रही है। धान खरीदी तारीख बढ़ाने पर हो सकती है चर्चा। बता दें बजट 2020-21 को मिलेगी मंजूरी, बजट प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी मुहर लगेगी। अधिक जानकारी के लिए हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या कुछ खास रहने वाला है इस अहम बैठक में? किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और क्या ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में? हाँ, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अमेरिका दौरे पर जाने से पहले यह बैठक आयोजित की जा रही है। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा होगा वो होगा धान खरीदी की जो तिथि है वो बढ़ाई जाए या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अभी मौसम पूरे छत्तीसगढ़ में बना हुआ है और बेमौसम बारिश की वजह से जो खरीदी केंद्र है वहां पर धान भीगते नजर आए थे, और इसके अलावा जो धान मंडियों की जमीन है वो काफी गीली हुई थी। इसके कारण करीब 3 से 4 दिन तक जो धान खरीदी है वो नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में सरकार ये सोच रही है कि धान खरीदी की जो अंतिम तिथि है 15 फरवरी उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी लगभग हजारों किसानों ने अपनी जो धान है वो मंडियों तक ले जाकर नहीं बेचा है। और इसका नजारा कल रायपुर के तिरंगा सेज बहार समेत तमाम धान खरीदी केंद्रों में देखने को मिला था, जहां पर तौलाई बंद थी और इसके कारण जो किसान हैं वो काफी परेशान दिखे थे। तो निश्चित तौर पर कैबिनेट की बैठक में तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी एक तरह से धान खरीदी की जो तिथि है वो बढ़ाने के संकेत दिए थे। हेमंत, जिस तरह से हम देखें शुरुआत से ही किसान बहुत खुश थे कहीं ना कहीं सरकार से, पर कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे देखें तो उनकी नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। जिस तरह से उन्हें बारदाना समय पर नहीं मिला, कई ऐसे मुद्दे निकल करके सामने आए थे, अब क्या लगता है फिर से लुभाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा कुछ स्टेप लिया जाएगा? शायद हमारा संपर्क हेमंत से टूट गया है, तो आपको बता दें आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमेरिका दौरे के लिए जाने वाले हैं। उससे पहले ये बैठक होने जा रही है और बहुत अहम बैठक ये मानी जा रही है और किसानों के लिए कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। जो धान खरीदी की तारीखें हैं वो भी बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि लगातार हम देखें किसान परेशान हो रहे हैं, बारिश की वजह से परेशान हुए, ठंड की वजह से परेशान हुए, उनका धान खराब हो रहा था और आज जो है बैठक होने जा रही है उसे अहम माना जा रहा है। शायद उससे लेकर कई अहम फैसले जो है भूपेश सरकार ले सकती है।